नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है का संदेश देकर नमामि गंगे ने रविवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा तलहटी के घाटों की सफाई की। गंगा तल से कपड़े, साड़ियाँ, चुनरी, पूजन सामग्री एवं अन्य प्रदूषित कर रही वस्तुओं को निकालकर संदेश दिया कि स्वच्छता आरोग्य जीवन का आधार है। गंगा से निकली सैकड़ों पॉलिथीन व कपड़ों को कूड़ेदान के हवाले कर पॉलिथीन मुक्त गंगा का आग्रह किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा किनारे की स्वच्छता ठीक उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार हम अपने घर और आंगन को साफ सुथरा रखते हैं। साफ सफाई को संस्कार के रूप में अपनाया जाना चाहिए। स्वच्छता रूपी संस्कार को ग्रहण कर हम कई जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं। साफ सफाई के अभाव और प्रदूषण के चलते कोरोना वायरस, मलेरिया वायरल और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अधिकतर लोग प्लास्टिक का सामान गंगा और कहीं भी फेंक देते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। नमामि गंगे टीम ने समस्त ब्रह्मांड को आरोग्य प्रदान करने वाले देवाधिदेव महादेव की स्तुति, द्वादश ज्योतिर्लिंग एवं गंगा अष्टकम का पाठ कर स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया। नमामि गंगे रूपी सांस्कृतिक महायज्ञ में शामिल होने के लिए सभी नागरिक जनों से अपील की गई। न्यूज नाइन भारत के लिए वाराणसी से तौफीक खान की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।